हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल जिसे कहते हैं ऑडी ऑल्टरम पार्टम। नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है। देखा जाए तो एक इंसान जो है एक ऑर्गेनाइज्ड पावर के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर क्रिएटर से अपील करता है। और वो क्रिएटर कौन है? वो क्रिएटर है भगवान और उसके लॉज। उन लॉज को हम डिवाइन लॉ भी कहते हैं या फिर नेचुरल लॉज भी कहते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल जस्टिस का ओरिजिनेट हुआ था। बेसिकली नेचुरल जस्टिस जो है वो इंप्लाई करता है इक्विटी, इक्वालिटी, रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस को। बेसिकली नेचुरल जस्टिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स को जो जजेस ने डेवलप करे थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को उसको फॉलो ही करना पड़ता है जब वो अपना डिसीजन देते हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर उसके राइट को इफेक्ट होता है, तब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को ये प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 एंड 21 में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉर्मली ग्राउंडेड है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो तभी पिक्चर में आता है जब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर उसको सिविल इंजरी होती है या फिर सिविल लॉस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से, तब जाके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो पिक्चर में आता है। उसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, पहला है रूल अगेंस्ट बायस और दूसरा है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। अब हम जानेंगे ऑडी ऑल्टरम पार्टम के बारे में। ऑडी ऑल्टरम पार्टम जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। बेसिकली वो ये इम्प्लाई करता है कि हर एक पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और ये जो प्रोसीजर है ये एक ऑडी ऑल्टरम पार्टम जो है वो एक कोड ऑफ प्रोसीजर होता है जो जस्ट एंड फेयर होता है, और उसकी जो शुरुआत होती है वो नोटिस से होती है, फाइनल डिटर्मिनेशन पे खत्म होती है। तो पहले हम जानेंगे राइट टू नोटिस। तो जो टर्म नोटिस है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड नोटिटिया से, जिसका मतलब होता है बीइंग नोन। तो नोटिस जो है वो हर एक हियरिंग का एक पहला स्टेप होता है। मतलब अगर जब तक इंसान को ये ना पता हो कि कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है इस केस में, या फिर कौन से ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट, तब तक वो अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकता। तो जो नोटिस है उसमें जो मटेरियल होता है वो कंटेन करता है क्या टाइम है, क्या प्लेस है, और क्या नेचर है हेयरिंग का, किस लीगल अथॉरिटी के अंदर उसकी हेयरिंग है, और कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक चार्जेस लगाए गए हैं उस इंसान के अगेंस्ट। बेसिकली नोटिस का मेन पर्पस होता है एक सफिशियंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक सफिशियंट इंफॉर्मेशन देना उस कंसर्न पर्सन को, ताकि वो एक इफेक्टिव डिफेंस पुटअप कर सके। इसको अब हम समझते हैं कुछ केसेस के थ्रू। केशव मिल्स कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया था केशव मिल्स को कि वो इस मिल को टेक ओवर कर लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वैश नहीं किया था इस टेक्निकल ग्राउंड पे कि जो एपेलेंट है उसको नोटिस नहीं इशूड किया गया था ये एक्शन लेने से पहले, क्योंकि पहले से ही एपेलेंट को अपॉर्चुनिटी दी गई थी फुल स्केल हेयरिंग की। दूसरा केस है महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस सुवर्णा बोर्ड मिल्स। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी नोटिस दिया गया है पार्टी को ड्यूज को रिपे करने के लिए 15 दिन के अंदर, अगर वो पार्टी फेल हो जाती है ड्यूज को रिपे करने में, तो ऐसे केस में फैक्ट्री जो है वो टेकन ओवर हो जाएगी और कोई भी फ्रेश नोटिस जो है वो नहीं दिया जाएगा उस अनऑथराइज स्ट्रक्चर को गिराने के लिए, क्योंकि उसके लिए भी पहले से नोटिस दिया जा चुका है। तो जहां पे स्टेट्यूट अगर एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड करता है कि नोटिस देना जरूरी है, और ऐसे केस में अगर नोटिस जो है वो नहीं दिया जाता, तो एक्ट जो है वो वॉइड माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग डेटिन्यू के पास भी ये राइट होता है कि उसको भी नोटिस मिलना चाहिए कि कौन से ग्राउंड पे उसको डिटेंशन मिल रही है, और अगर वो ग्राउंड्स वेग है तो ऐसे केस में कोर्ट जो है उस ऑर्डर को क्वैश कर सकता है। तो नोटिस में जो भी ग्राउंड्स दिए जाते हैं वो क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और अनएम्बिगुअस होने चाहिए। अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन इश्यू ऑफ नोटिस। तो नॉन इश्यू ऑफ नोटिस या फिर उसकी डिफेक्टिव सर्विस की वजह से अगर अथॉरिटी की ज्यूरिसडिक्शन को अफेक्ट नहीं होता जब तक उस प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है ऑफ बीइंग हर्ड, या फिर उस प्राइवेट इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लिए डिफेंस पुट अप कर सकता है। और लॉ के अकॉर्डिंग इश्यू ऑफ नोटिस जो है वो एक पार्ट माना जाता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को अगर सिविल इंजरी या फिर सिविल लॉस हुआ है नॉन इश्यू ऑफ नोटिस की वजह से या फिर डिफेक्टिव सर्विस की वजह से, तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग्स जो है वो रद्द कर दी जाती है। अगर नोटिस में ग्राउंड्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है,
अनएम्बिगुअस नहीं है. तो ऐसे केस में ये इम्प्लाई होता है कि उस इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है अपने लिए एक डिफेंस पुटअप करने के लिए. अब दूसरा आता है राइट टू नो एविडेंस अगेंस्ट हिम. ये हर एक पर्सन का राइट होता है ये जानना कि कौन से ऐसे एविडेंसेस है जो उसके अगेंस्ट यूज करे जा रहे हैं. तो ये जो प्रिंसिपल है ये पहली बार फॉर्मली एस्टैब्लिश करा गया था धाकेश्वरी कॉटन मिल्स वर्सेस सीआईटी के केस में. इस केस में जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाइड करेगी थी डिपार्टमेंट की तरफ से एपिलेंट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को वो डिस्क्लोज नहीं करेगी थी, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगी थी. तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि एसएससी को एक तो फेयर हेयरिंग का मौका तो मिला नहीं, दूसरी बात ये जो भी सप्लाई की गई है, जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगी है वो ओरिजिनल फॉर्म में है या नहीं है वो नेसेसरी नहीं है. सफिशियंट ये होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और जो पर्सन है उसको अलाउड करा जा सके कि वो इंस्पेक्ट कर सके फाइल को और कोई भी नोट्स ले सके जो भी हो जाता है. तो जो भी मोड यूज किया जाए लेकिन फंडामेंटल सेम यही रहता है कि कोई भी चीज उस पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं होनी चाहिए जब तक उसके नोटिस में ना आए, जब तक उसको नॉलेज ना हो उस चीज की. अब हम आते हैं राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस. ये हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है कि वो अपने केस को कैसे प्रेजेंट कर सकता है या अपने एविडेंस को कैसे प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो राइटिंग में करे या फिर ओरली करे. लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग जो ओरल हेयरिंग है या फिर पर्सनल हेयरिंग है वो एक इंटेग्रल पार्ट नहीं होता है फेयर हेयरिंग का. जब तक ऐसे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने आप अपने डिफेंस को पुटअप नहीं कर पाएगा बिना किसी ओरल हेयरिंग के. जहां पे लीगल या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं वहां पे ओरल हेयरिंग जो है पिक्चर में आती है, वहां पे ओरल हेयरिंग जो है वो फेयर हेयरिंग का पार्ट बनता है. अब हम आते हैं केस पे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जेपी मित्तल. इस केस में कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर था वो क्वैश करने से रिफ्यूज कर दिया था और वो ऑर्डर जो था वो रिलेटेड था हाई कोर्ट के जजेस के एज से रिलेटेड था. इस ग्राउंड पे रिफ्यूज किया था कि जो प्रेसिडेंट है वो ग्रांट नहीं कर सकता ओरल हेयरिंग रिक्वेस्ट के बेसिस पे भी. तो कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन जिसको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपने केस को सबमिट कर सकता है राइटिंग में, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वायलेट होता ही नहीं है अगर ओरल हेयरिंग उसको ग्रांट नहीं करी गई है. अब हम आते हैं राइट टू रिब्यूट द एडवर्स एविडेंस. ये हर एक पर्सन का राइट होता है कि कौन सा उसको पता हो कि कौन सा एविडेंस जो है उसके अगेंस्ट यूज किया गया है और उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिब्यूट कर सकता है इस एविडेंस को. लेकिन इस एविडेंस को रिब्यूट करने के लिए दो ऐसे फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करे जाते हैं. पहला है क्रॉस एग्जामिनेशन और दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल वेपन माना जाता है किसी भी ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने के लिए और कोर्ट जो है वो कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन पे इंसिस्ट नहीं करता जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की बात होती है. तब तक इंसिस्ट नहीं करता जब तक ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो कि जो पर्सन है वो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो फिर वो अपने लिए एक इफेक्टिव डिफेंस पुटअप नहीं कर पाएगा. तो एक केस है टाउन एरिया कमिटी वर्सेज जगदीश प्रसाद का केस है. इस केस में डिपार्टमेंट ने सबमिट करी थी एक चार्जशीट और उसमें एक्सप्लेनेशन दिया था सारा और उस एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने सीधा एक डिसमिसल ऑर्डर जो है वो पास कर दिया था. कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वैश करा था ये कह के कि जो रूल जो है फेयर हेयरिंग का वो एक अपॉर्चुनिटी भी इंक्लूड करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी भी इंक्लूड करती है. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही है कस्टम्स अथॉरिटी के सामने, अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हो रही है कि उसमें ये डिटरमाइन करना है कि गुड्स जो है वो स्मगल्ड करे गए या नहीं करे गए, तो ऐसे केस में क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो नेचुरल जस्टिस का पार्ट नहीं माना जाता है. दूसरा केस है हीरानाथ मिश्रा वर्सेस प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट्स की कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया था और वो कंटेंशंस ये थी कि उनको अलाउ नहीं किया गया गर्ल्स स्टूडेंट्स को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए. तो ये जो कंटेंशन थी रिजेक्ट करी गई थी इस ग्राउंड पे कि अगर उनको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए भी अलाउ करा जाता तो ऐसे केस में गर्ल्स जो है वो आगे जाके एविडेंस नहीं दे पाती और दूसरी बात ये कि कॉलेज अथॉरिटी के लिए डिफिकल्ट हो जाता गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना कॉलेज प्रमाइसिस के बाहर. दूसरा फैक्टर है लीगल रिप्रेजेंटेशन. तो नॉर्मली जो लेमैन होता है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एक लॉयर के थ्रू किसी भी प्रोसीडिंग्स में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंटेशन जो है लॉयर के थ्रू होना वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं माना जाता प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ओरल हेयरिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं माना जाता फेयर हेयरिंग के लिए.
तो अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिनाई किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि लॉयर्स जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मैटर्स को, और दूसरी बात ये कि वो उस प्रोसीडिंग्स को बहुत लंबे समय तक खींचते हैं और जो एसेंशियल इनफॉर्मेलिटीज होती है प्रोसीडिंग्स ये वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और से ये भी फर्दर जस्टिफाइड होता है कि जब कोई भी इंसान अपने चॉइस का लॉयर चूज करता है अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो एक एज देता है कि जो अमीर है उनके पास तो ऑप्शन होता है अपने खुद का लॉयर चूज करने के लिए, लेकिन गरीब के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो एक अच्छा लॉयर चूज कर सके। अब आते हैं हम इन केस में, MH हॉस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट है फेयर प्रोसीजर का जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, उस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्ट करा था और ये कहा था कि जो राइट है पर्सनल लिबर्टी का वो ये इम्प्लाई करता है कि स्टेट का ये ड्यूटी बनती है कि वो फ्री लीगल सर्विस दे प्रिजनर्स को, वो प्रिजनर्स जो गरीब हैं या फिर जो डिसेबल्ड हैं, तो वो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करे इन सारे इंडिजेंट प्रिजनर्स को ताकि जस्टिस जो है वो फेयर हो। दूसरा केस है नलिनी सत्तपति वर्सेस पीएल दानी। इस केस में कोर्ट ने एक्यूज के लिए अलाउ किया था लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के दौरान, और पुलिस को कहा था कि वो वेट करे जब तक लॉयर्स जो है वो ना पहुंचे। और इस केस में कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी थी स्टेट को कि ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रोवाइड करे एक्यूज के लिए अगर एक्यूज जो है वो इंडिजेंट है। अब हम आते हैं, नो एविडेंस शुड बी टेकन एट द बैक ऑफ अदर पार्टी। इसमें अगर कोई भी पार्टी जो है अगर एविडेंस लेती है दूसरी पार्टी के एब्सेंस में, मतलब दूसरी पार्टी को पता नहीं है कि उसके अगेंस्ट एविडेंस लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ फेयर हेयरिंग की वायलेशन होती है। तो ये जो चीज है वो डिस्कस करेगी थी एरिंगटन वर्सेस मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के केस में। इस केस में जैरो कॉरपोरेशन जो है उसने एक क्लियरेंस ऑर्डर पास किया था कि कुछ बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के लिए, क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स थी वो इंसानों के रहने लायक नहीं थी। वही सेम चीज जो है वो सबमिट करेगी थी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के लिए। इंक्वायरी हुई, उसके बाद जो ओनर्स थे बिल्डिंग्स के उनको फेयर हेयरिंग का मौका मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद जो ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री के वो उन्होंने उस प्लेस को फिर से विजिट किया और उसके बाद कुछ ऐसे एविडेंसेस उन ओनर्स के अगेंस्ट इकट्ठा किए बिना उन ओनर्स को बताए। तो जो क्लियरेंस ऑर्डर था वो तो पास कर दिया था मिनिस्टर ने। जब इस क्लियरेंस ऑर्डर को चैलेंज करा गया तो जो क्लियरेंस ऑर्डर था वो कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, वो भी इस ग्राउंड पे कि जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करे गए थे दूसरी पार्टी के एब्सेंस में बिना दूसरी पार्टी को बताए, तो ऐसे केस में उस दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं उस एविडेंस को रिब्यूट करने की, जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट होता है और वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। अब दूसरा केस है हीरानाथ मिश्रा वर्सेस प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल कॉलेज। इस केस में 36 मेडिकल कॉलेज की जो लड़कियां थी उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी प्रिंसिपल के साथ कि जो भी मेडिकल कॉलेज के लड़के हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में जाके मिसबिहेव करते हैं। तो एक इंक्वायरी कमिटी जो है वो बिठाई गई थी और सारे गर्ल्स की जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड कराई गई थी, और इससे पता चला कि जो भी एविडेंसेस हैं वो सही हैं एपिलेंट के अगेंस्ट है, वो भी एपिलेंट की एब्सेंस पे ये सारी स्टेटमेंट्स जो थी रिकॉर्ड करी गई थी। उसके बाद एक एक्सपल्शन ऑर्डर जो था इन सारे एपिलेंट्स को दिया गया। तो जो एक्सपल्शन ऑर्डर था वो चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह के कि जितने भी एविडेंसेस लिए गए हैं वो एपिलेंट्स की एब्सेंस में लिए गए हैं, और कोर्ट ने इन कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया था ये कह के कि अगर गर्ल्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती एपिलेंट के प्रेजेंस में तो ऐसे केस में गर्ल्स जो है उनको और हरासमेंट फेस करनी पड़ती। तो जो भी एविडेंसेस लिए गए हैं एपिलेंट के एब्सेंस में वो सारे एविडेंसेस जो है एपिलेंट के नोटिस में लाए गए और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई रिब्यूट करने के लिए वो सारे एविडेंसेस जो उनके अगेंस्ट थे। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल डिसीजन और द वन हु डिसाइड मस्ट हियर। तो देखा जाए तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में वो डिसीजन एक इंसान नहीं लेता है स्टार्ट टू फिनिश तक। बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान सुनता है और दूसरा इंसान जो है डिसाइड करता है। तो ये जो डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फेयर हेयरिंग के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। हम एक केस से इसको समझते हैं, गुनुपली नागेश्वरा राव वर्सेस APSRTC। इस केस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था वो चैलेंज करा गया था इस ग्राउंड पे कि जिसने डिसाइड किया है उसने ये चीज सुनी ही नहीं है,
इस केस में पेटिशनर ने एक ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने दिया था कंफर्म करके कि जो स्कीम्स जो हैं ऑफ रोड नेशनलाइजेशन की, तो जो सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का उसने ये केस सुना, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था वो एक चीफ मिनिस्टर ने दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेयर हेयरिंग के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, इसलिए क्योंकि जो डिसाइड कर रहा है उसने उस पार्टी को तो सुना नहीं है, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सके जो भी उसके माइंड में है। अब हम आते हैं रूल्स अगेंस्ट डिक्टेशन। इस केस में जो डिसीजन लेता है उसी को ही डिसाइड करना चाहिए। अगर डिसीजन जो है वो लिया गया है आउटसाइड एजेंसी के डायरेक्शन के द्वारा, तो ऐसे केस में फेयर हेयरिंग की वायलेशन होती है। हम इसको एक केस से समझते हैं, महादयाल वर्सेस सीटीओ का केस था। इस केस में सीटीओ ने टैक्स इम्पोज करा था पेटिशनर के ऊपर, और ये जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था इस बेसिस पे कि जो डिसीजन लिया है सीटीओ ने वो अपने सुपीरियर जो ऑफिसर्स थे उसके डायरेक्शन पे लिया था। अब हम आते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी टू अटेंड द इंक्वायरी। मुमताज हुसैन अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था वो एपेलेंट था, और उस पर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे जो इंक्लूड करता है कि वो अपनी ड्यूटी में भी एबसेंट था। तो ट्रिब्यूनल के सामने वो चाहता था कि 8 विटनेस जो है वो एग्जामिन करे जाए उसकी डिफेंस के लिए, और ट्रिब्यूनल ने उससे सर्टन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करने को बोला था एक अलाउंस के तौर पे, जिसकी वजह से एपेलेंट जो है वो पे नहीं कर पाया, वो डिपॉजिट नहीं कर पाया वो अमाउंट जो है, और उसकी वजह से विटनेस जो है वो एग्जामिन नहीं हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो एपेलेंट है वो सस्पेंशन में है बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली इनकैपेबल था उस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए, और जो समन जो है वो डिफेंस विटनेस तक भी पहुंचे नहीं गए गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, जिसकी वजह से नेचुरल ऑफ जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो फेल होता है, या फिर प्रिंसिपल जो है नेचुरल जस्टिस का वो वायलेट होता है। अब हम आते हैं डिसीजन पोस्ट हेस्टे। तो जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है फेयर हेयरिंग का वो ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो भी डिसीजन लेती है वो एक तो जल्दबाजी में ना ले। इसका एक केस है एसपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के एक्शन को क्वैश कर दिया था, वो एक्शन जो जल्दबाजी में लिया गया था। इस केस में एक सीनियोरिटी लिस्ट जो थी कैंडिडेट्स की वो फाइनलाइज करी गई थी, और वो सारे कैंडिडेट्स थे जो एडहॉक बेसिस पे काम करते थे 6 साल से, और उसके कुछ ही दिनों बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। और इस कमिटी के जिस वक्त भी कमिटी बनी थी ना, उसमें से एक मेंबर जो है वो कुछ दिनों के लिए लीव पे चला गया था, और उस मेंबर को रिप्लेस करने के लिए एक और पर्सन को लिया गया था, और सारे सिलेक्शंस हो गए थे, सारे ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट जो थे वो इशूड करे गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि ये जो पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट करा गया है वो हेस्टी मैनर में कंप्लीट करा गया है, और इससे वजह से एक सस्पेशन राइज होता है कि जो हाई पोजिशन पे जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो इंटरेस्टेड थे इस मैटर को जल्दबाजी में खत्म करने के लिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि इस मैटर को फिर से नए तरीके से कंसिडर करा जाएगा। अब हम आते हैं शुड द थर्ड पार्टी टू डिस्प्यूट बी हर्ड। एंटोनियो एसी परेरा वर्सेस रुकार्डना नारहोना, इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि जो थर्ड पर्सन जो डिस्प्यूट में है क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि थर्ड पर्सन को, अगर थर्ड पर्सन जो है वो सफर करता है सब्सटैंशियल इंजरी से सफर करता है, जो कोर्ट डिसीजन देता है अगर उससे वो सब्सटैंशियल इंजरी से सफर करता है, तो ऐसे केस में थर्ड पर्सन के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। अब हम आते हैं रीजन डिसीजन पे। तो ये मैंडेटरी है हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के लिए कि जब भी कोई वो डिसीजन देते हैं तो उसके साथ रीजंस लिखना बहुत जरूरी है, रीजंस बताने बहुत जरूरी है, और वो रीजंस जो है वो एक सिर्फ एक रबर स्टैम्प के रीजंस नहीं होने चाहिए, वो ब्रीफ और क्लियर स्टेटमेंट्स होने चाहिए। तो एमजे शिवानी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में कोर्ट ने ये कहा है कि रीजंस जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होने चाहिए, जो भी रीजंस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज देगी डिसीजन के साथ वो रीजंस रिकॉर्डेड होने चाहिए, क्योंकि वो एक एसेंशियल कंडीशन माने जाते हैं वैलिड ऑर्डर के लिए। अब हम आते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट्स टू बी फर्निश्ड और नॉट। अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है वो सेम ही ऑफिसर करेगा।
डिसिप्लिनरी मैटर्स में ये बहुत बार होता है कि जो इंक्वायरी है वो एक ऑफिसर करता है और फिर वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है और उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस रिपोर्ट को देख के डिसाइड करती है. लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार उठते हैं कि जो भी रिपोर्ट की जो कॉपी थी, जो इंक्वायरी ऑफिसर के पास जो रिपोर्ट थी उसकी जो कॉपी है, क्या उसने चार्ज एम्प्लॉय को सप्लाई करी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजन लेने से पहले या नहीं करी है. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज ई बाशान के केस में दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि अगर जो कॉपी है रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट की, अगर वो नहीं पहुंच पाती है डेलिक्वेंट एम्प्लॉय के पास कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फाइनल डिसीजन से पहले, तो क्या वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है और क्या वो प्रोविजन जो है आर्टिकल 311 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो उस प्रोविजन को वायलेट करता है या नहीं करता है. आर्टिकल 311 जो है क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उसको उसकी रैंक से ना ही रिमूव करा जाएगा और ना ही उसको उसकी रैंक से डिसमिस किया जाएगा बिना उसको अपॉर्चुनिटी दिए अपने आप को डिफेंड करने की उन चार्जेस के अगेंस्ट जो उसके अगेंस्ट फ्रेम करे गए हैं. इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट की जो कॉपी है अगर वो डेलिक्वेंट एम्प्लॉय के पास नहीं पहुंचती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फाइनल डिसीजन से पहले, तो ऐसे केस में इंक्वायरी जो है वो रद्द मानी जाएगी. अब दूसरा केस आता है सुरेश कोशी वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन उठाया था कि जो भी कॉपी जो है रिपोर्ट इंक्वायरी की अगर वो डिमांड करी जाती है फिर भी उसको फर्निश नहीं किया जाता है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट होता है या नहीं होता है. इस केस में वाइस चांसलर ने एक इंक्वायरी बिठाई थी इस बेसिस पे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस रिपोर्ट की बेसिस पे यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सपेल कर दिया था यूनिवर्सिटी से. तो ये जो एक्शन था वो चैलेंज करा गया था इस ग्राउंड पे कि जो कॉपी जो है रिपोर्ट की वो सप्लाइड ही नहीं करी गई, उसको वो फर्निश ही नहीं करी गई. कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो कॉपी जो है रिपोर्ट की वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ने तो नहीं मांगी थी, इसलिए कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है या फिर नेचुरल जस्टिस का ब्रीच जो है वो नहीं हुआ है. अब तीसरा केस है केशव मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में अपेरेंट कंपनी जो थी वो 30 साल से बिजनेस कर रही थी और एकदम से प्रोडक्शन जो है वो गिर जाता है और वो कंपनी जो होती है वो बंद हो जाती है. इसके वजह से 1200 जो लोग थे जो इसके अंदर काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन जो थी वो बनाई थी इंक्वायर करने के लिए कि कंपनी के अफेयर्स में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो इस बेसिस रिपोर्ट की बेसिस पे जो कमीशन इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये कहा था कि गुजरात स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन है वो उस मिल को टेक ओवर कर ले 5 साल के लिए. ये जो डिसीजन है वो चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने इस ग्राउंड पे कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कमीशन की वो पार्टी को फर्निश ही नहीं करी गई. तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि अगर रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं करी जाती है और इसके वजह से पार्टी को कोई भी सिविल इंजरी या फिर सिविल लॉस होता है तो रिपोर्ट डिस्क्लोज होनी चाहिए, अदरवाइज नॉन डिस्क्लोजर जो है रिपोर्ट वो अमाउंट करता है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस टॉपिक के और भी वीडियोज आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.